Hey guys, welcome back to another vlog of Gagan Sangwan. I hope आप सभी अच्छे होंगे यार. आज की डेट में आप सभी को बताऊं, आज है 3 अप्रैल 2022 और आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज आपका भाई एक गाड़ी बुक करने जाने वाला है यार. क्योंकि जो मेरी पुरानी गाड़ी आप सभी ने व्लॉग्स में देखी होंगी यार, वो मेरी ऑलमोस्ट 9 साल से ऊपर की होने वाली है नवम्बर में. तो डीजल की गाड़ी है तो 10 साल से ऊपर वो चल नहीं सकती है, तो इससे पहले पहले हमें एक गाड़ी लेनी होगी. आज हम सिर्फ और सिर्फ बुकिंग करने वाले हैं. अब देखते हैं कौन गाड़ी बुक करेंगे, वो गाड़ी कब मिलेगी, कितने की मिलेगी, वो सारी चीजें आप सभी को ब्लॉग्स में दिख जाएंगी. और आज भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार. अब चलते हैं मम्मी और दीदी की तरफ. भाई बहुत टाइम लगा रहे हैं, वो 10-15 की कैब थी. ये देखो इनका खाना नहीं हो रहा है. हो गया मेकअप सेकअप? अच्छा ये भी मैं करूँ. मम्मा खा लिया? पिंक व्हाइट वो भी व्हाइट. कैब वाला नीचे आ चुका है पर ये दोनों तैयार नहीं हुई हैं. आपका भाई ने तो सब कर लिया, तो अब देखते हैं कितनी देर में हम चलते हैं. और यहाँ से हमें पापा के पास जाना है. पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं. पापा के साथ फिर सारी फैमिली मिलके शोरूम में जाने वाली है और देखते हैं कौन सी गाड़ी हमें पसंद आती है, कौन सी हम लेने वाले हैं. मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है. लेट्स सी, वहाँ पे जाके आप सभी को मिलवाते हैं नई गाड़ी. क्या सब पता है कौन सी ले रहा है? क्या पता मूड चेंज हो जाए. वही तो. इश्की फकीरानी पीरों मुरीदानी इश्की वलियानी होदाए खलीलानी इश्के पिड़ा के मरचा दफ्तरा. हुंडई के शोरूम आ चुके हैं, बट सेकंड फ्लोर पे था शोरूम, वहाँ पे वरना अभी खड़ी नहीं हुई, तो ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं. लेट्स सी ग्राउंड फ्लोर पे कौन सी वरना है, क्या कलर है. मैं बताती हूँ बाबा इसके 3 हुक्स गाइस, देखते हो क्या होगा. और भाई उस शोरूम नंबर 1 देख लिया हमने हुंडई का. ये कौन सा सेक्टर है बाबा? 37 का फेज 1. तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी, एक ही गाड़ी थी वो भी डिलीवरी के लिए आ रखी थी. तो आप किसी और शोरूम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं. महिंद्रा से भी निकल के आ गए हैं. XUV 300 देखी हमने, वो भी पसंद आ ही गई है. वरना और XUV 300 की रेस लग रही है, कौन सी ली जाएगी ये तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता चलेगा. A few moments later. Kia Sonet, ये देखिए गाड़ी. भाई गाड़ी यार ये पसंद सी आ गई है, आवाज क्यों कर रही है भाई. की नॉट इन व्हीकल. अरे भाई वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट ड्राइव ऑफ Kia Sonet. ये गाड़ी है देख लो, सीट वीट तो देखते हैं उसमें, मतलब ये गियर शिफ्ट नहीं करने होंगे, ऑटोमेटिक होगी. किया के शोरूम हम आए थे, किया में हमने सोनेट देखी है. कह सकते हैं डाइसी मामला है अभी XUV 300 और किया में. तो आप बताइए मम्मा कैसी लगी आपको किया सोनेट? ठीक लगी मेरे लिए तो. कौन सी ले ले तो भी भाई, लेकिन 300 और किया में पैसा तो पता नहीं. ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत है. ड्राइविंग एक्सपीरियंस चलाया मैं एज अ पैसेंजर बैठी थी, बट मुझे मतलब स्मूथ फील ही नहीं हुआ. पैसे में 2-2.5 लाख रुपए का फर्क है XUV 300 और भाई इसमें किया सोनेट में. ये मिलेगी 4 महीनों में. A few moments later. इतना सब कुछ देखने के बाद अभी फिलहाल XUV 300 पसंद आई है. पसंद आई? पसंद तो चलाने वाले बहाने चाहिए. आपको कैसी लगी? आप तो स्टार्टिंग से फैन. स्टार्टिंग का वरना का फैन था, बट अभी थोड़ी XUV 300 थोड़ी ऊपर है, ऊंची है थोड़ी, तो इसमें अच्छे से आपका नजर आता है. तो अभी कलर डिसाइड कर रहे हैं और प्राइस डिसाइड हो रहा है. देख लो भाई यहाँ पे खड़ी अपनी गाड़ियाँ, ये री 300 और 700 बोलेरो, जानदार शानदार सवारी. कैसा लग रहा है तुझे तेरी कार बुक हो चुकी? बहुत थक गए, इधर उधर वो शोरूम ये शोरूम घूमे, गाड़ी लेना भी कोई आसान बात नहीं है. तो भाइयों
आपके भाई ने बुक करा दी है गाड़ी XUV 300, और ये कब मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी तो हमने बुकिंग कराई है, इसकी थोड़ी वेटिंग है, 2-3 महीने की कह रहे हैं। आई होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी मिल जाए, क्योंकि भाई हमारी डिजायर थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी है बेचारी, और उसके 10 साल भी पूरे होने वाले हैं, उससे पहले पहले हमें इसे बेच भी देना है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर आवर न्यू कार। और अभी तक ये सारी स्टोरी है, हमने बुकिंग सब कुछ कर दिया है। आज है 3 अप्रैल 2022, तो लेट्स सी कब मिलेगी गाड़ी, तो आप सभी को तभी मिलेंगी। हे गाइस, यार आज है 15 जुलाई 2022, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 4 अप्रैल को हमने बुकिंग करी थी अपनी गाड़ी की, और भाई ये जो हमारी गाड़ी की डिलीवरी है 2 दिन पहले भी मिलने वाली थी, बहुत सारी अड़चने आ रखी थी, पता नहीं कुछ भी आ जा रहा है। जब ऐसा होता है ना, आपके साथ भी शायद ऐसा होता हो कईयों के साथ, कि भाई अगर कोई ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो वो चीज भाई होती ही नहीं है। तो आप सभी के साथ होता है, कॉमेंट करिए मुझे जरूर बता देना। तो वही चीज हो रही थी यार, लेट्स सी आज कैसा दिन हमारा रहता है। हम जाने वाले अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने, आपका भाई हो चुका है फुल रेडी। कलर मैं आपको दिखा दूंगा गाड़ी का कलर कौन सा है, और मैंने कौन सी यहाँ पे टी शर्ट पहनी है, और ये नीचे जीन्स है, भाई नॉर्मल अटायर है अपना, ठीक है। इतना कोई हाई फाई हम बन के नहीं जाने वाले हैं। चलते हैं, मम्मी भी तैयार हो रही है। अभी मैं और मम्मी यहाँ से जा रहे हैं सीधा शोरूम, वहाँ पे थोड़ा बहुत पेपर वर्क है वो सब करके, फिर पापा और दीदी दोनों ऑफिस में है तो उन दोनों को बुला लेंगे हम, और फिर उसके बाद देखते हैं कैसी गाड़ी है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 2:15 के आसपास टाइम हो चुका है। ये रही मम्मी। मम्मा कैसे हो? एक्साइटेड, कितने टाइम बाद हमें गाड़ी मिल रही है। तो अभी मम्मी यार खाना वाना पैक कर रही है, क्योंकि ना मैंने खाना खाया है भाई, एक तो मन ही नहीं कर रहा भाई, रास्ते में खा लूंगा। अभी हमने कैब बुक करी है, क्योंकि भाई वापस आते हुए तो नई वाली गाड़ी से आना है, तो कैब से जाएंगे हम शोरूम तक, पापा और दीदी ज्वाइन करेंगे। और मम्मा आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हो, नई गाड़ी आ रही है, आपके बेटा गाड़ी ले रहा है, या किस लिए? मतलब अच्छा भाई, ये रहा शोरूम और हमारी गाड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे, अभी तो वेट कर रहे हैं, थोड़ा पेपर वर्क हो रहे हैं, साइन वाइन हुए हैं अभी, और अभी एक्सेसरीज की बातचीत चल रही है कि कौन सी क्या एक्सेसरीज डलवानी चाहिए। वैसे तो टॉप मॉडल ले रहा हूँ, बट इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्सेसरीज होती है, तो वो भी देखेंगे। ये तो खड़ी है भाई ऑल न्यू स्कॉर्पियो भाई, बट इसका एकदम मुझे लुक सही में बताओ ना, वैगनर जैसा कर दिया पीछे से, ये देखो, ये थोड़ी लाइट्स की वजह से थोड़ी अजीब सी लग रही है, वरना तो सही थी। अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो एक्सेसरीज लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, तैयार करेंगे, तो मान लो घंटा डेढ़। अभी वो अंकल हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने XUV 700 लेने का मन, तो ये वाली गाड़ी भी था बट नहीं था इतना अभी, तो इसलिए हमने 300 ली है। ये रहा शोरूम कुछ ऐसा है, ये खड़ी XUV 700, ये स्कॉर्पियो क्लासिक, और वहाँ पे एक और गाड़ी की अभी डिलीवरी हो रही है, ये है महिंद्रा थार, और हमारी गाड़ी उधर खड़ी है पीछे, एक गाड़ी हटाई जा रही है। एक्सेसरीज लगवाई जा रही है, अभी अभी मैंने ये लगवाया, ये होता है रेन वाइजर ये वाला, और मड फ्लैप लग रहे हैं जो कि होते हैं ये। अभी साफ सफाई होएगी, बहुत सारी डिलीवरी हो रही है, एक गाड़ी अभी ये तैयार हो रही है, एक गाड़ी वहाँ पे तैयार है, हमारी भी तैयार होएगी। मम्मी यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है, मम्मी को तो बैठने के लिए बोला है मैंने। अभी दीदी और पापा आने वाले हैं, देखो देखो कौन आया, कौन है, आपको बुलाया नहीं हमने। Later that same evening. ये है हमारी महिंद्रा XUV 300, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय SSDM। तो अभी फर्स्ट राइड होने वाली है, जस्ट अभी हमने डिलीवरी ली है, और अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:12 बज चुके हैं, और मम्मी आ चुकी है यहाँ पे। 1 hour later. अब हम जाने वाले हैं मोहित भाई के घर, पापा मामा यहाँ से जा रहे हैं, चलो आपको मिलते हैं रात को घर पे। तो अब यहाँ से हमें भाई, मम्मी, मैं, दीदी सबसे पहले अभी जाते हैं, तेल भरवाते हैं। अभी फीचर्स का मुझे खुद नहीं पता है सही में, ये देख लो, यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, वहाँ बटन है, ये सब कुछ मैं देखूंगा, प्रॉपर सीखेंगे, और नेविगेशन वेविगेशन भी है। और भाई मजे आ गए यार, जो भी इंतजार था
आज खत्म हुआ, वो खत्म हो गया। अब चलते हैं सीधा भाई के घर पे, मिठाई विठाई ले लिया, फटाफट से निकलते हैं, लेट ऑलरेडी हो चुके। चाबी का कोई काम ही नहीं है भाई, ये बटन दबाओ और अपने चाबी साइड में रख दो। दे दे। आ जाओ बैठो जल्दी। कांग्रेचुलेशंस, कसम तो कौन बेरा था मौसी, मुझे बता भगवान। हम आ चुके हैं मंदिर येरा, बारिश आना शुरू हो चुकी है भाई, ये देखो। चलो गाइस गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा शुक्रिया, शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन भैया, शुक्रिया शुक्रिया। तेरे को भी चाहिए? हमें तो पहले भी चाहिए। अच्छा, हम सोच रहे थे जब लेंगे तब बारिश ना आ जाए, बट अब बारिश आ चुकी है। ये क्या लड्डू खाए जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? अच्छा आप क्या क्या देखते हो, मेरी कौन सी वीडियोस देखते हो? डिफेंस, बैक टू डिफेंस। ओके, तो गाइस ये हमारा छोटा सा हमारा फैन है, यहीं पे मैं जहाँ पे पुराने घर पे रहता था वहीं पे हमारे साइड में रहते हैं। और कैसा लगता है, अच्छी लगती है वीडियो? प्यार से व्यू बोलते हैं, व्यू, हाँ व्यू, व्यू बोलते हैं हम इन्हें। हाँ क्रिकेट क्या करते हो आप, क्रिकेट में बॉलिंग करते हो बैटिंग करते हो? बिल्कुल दोनों। अब आप ये वाली वीडियो देखना। अच्छा तू आउट कर देता है। One hour later. नमस्ते दीदी, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। अब हम तीसरी वैन सोनी दीदी के पास आए हैं, और ये इनसे तो आप जानते होंगे इन्हें तो। दीदी आपको कुछ पता था? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। दीदी को भी ऐसे ही हमने बुलाया कि वो तो कोई नहीं, रात के 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं शायद, पता नहीं टाइम को, कुछ नहीं पता, अभी घर जाऊंगा, बहुत तेज की भूख लग रही है। फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ यार, 11 बज चुके हैं, गाड़ी ले ली, पूजा करवा ली, सारी बहनों से पूजा करवा ली, ऐसी चीजें यार बहुत स्पेशल होती है जिंदगी में। और इस गाड़ी की भाई हम बात करें पैसों की, आधे से थोड़े से कम पैसे मेरे हैं और बाकी पापा ने दिए हैं मुझे, तो पापा को मैं रीपे करूंगा ये सारे पैसे। अब एक एक चीज मैं अपने बलबूते पे लेना चाहता हूँ, जो भी चीज मैं अपने लिए लेता हूँ, बैट्स लेता हूँ, जो भी होता है मैं खुद के खर्च पे लेता हूँ, जो भी इनकम होती है यूट्यूब इंस्टाग्राम इन सब से आप सभी के लव और सपोर्ट की वजह से होती है यार। ऐसे ही बस पैसे बचा बचा के और जितने भी मेरे पास इकट्ठे हो पाए उतने मैंने दे दिए। पापा से बातचीत करी हुई ये वाली गाड़ी लेनी है, वो फाइनलाइज कराई थी कुछ महीने पहले और आज उसकी डिलीवरी फाइनली मिल गई है। 5-star रेटिंग है इस गाड़ी को सेफ्टी के मामले में, तो इसीलिए, और इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है इसीलिए भाई मैं इसी पे गया हूँ। मम्मा कैसा रहा आपका दिन फिर, कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी, मजे आ गए? पापा को शुक्रिया, मम्मी को भी शुक्रिया, और आप सभी लोगों को तो जितना शुक्रिया मैं बोलूं उतना कम है। ऐसे आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, और भी बहुत सारे, ये वाला जो बटन है हमें ये वाले चैनल पे भी लाना है बहुत ही जल्दी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, दिल से शुक्रिया, एक एक लाइक एक एक कॉमेंट बहुत मीन करता है मुझे। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, 3 महीने पहले ये ब्लॉग की शुरुआत हुई थी और आज खत्म हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार, अपना और घर वालों का ख्याल जरूर रखे और उन्हें प्राउड होने का मौका दे, ठीक है, बाय बाय। तू आके देख ले, ओ मैंने